लेकिन एक सवाल जो है वो जैसे आम तौर से लोग जानना चाहते हैं कि मानव अधिकार आयोग का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कोई ऐसी चीजें हैं कि वो कोई ऐसे सुझाव जो हों? बिल्कुल सुझाव ऐसे हैं कि एक तो हम लोग जो सबसे ज्यादा डिले होता है कि जो अधिकारी हैं या विभाग हैं जी वहां से सूचनाएं आने में डिले होता है, और उसका कारण ये होता है कि कई बार उनके पास समय नहीं होता या कोई कार्यक्रम होते हैं, या जैसे कि मैंने बताया कि कोविड की वजह से बहुत दिनों तक ऑफिस बंद रहे हैं, तो ये डिले का कारण। दूसरा डिले का कारण ये है कि जो उनको रिजाइंडर यानी जी कि जो जो भी कोई आख्या आई है कहीं से जी रिपोर्ट आई है उनके अगेंस्ट जो भी शिकायत करता है उसको अपना जवाब देना होता है कि ये जो उन्होंने आख्या दी है इससे आप सहमत हैं नहीं है, कितना इसमें सही है कितना गलत है, तो वो फिर उसमें डिले हो जाता है कई बार। वो फिर वो एप्लीकेशन डाल देते हैं कि अभी किसी कारण बीमारी की वजह से या कोविड की वजह से या कोई और अन्य व्यस्तता की वजह से वो जवाब देने में या आने में असमर्थ है, तो उसमें डेट दे दी जाए, तो इसकी वजह से जरूर जी डिले होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको और थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए, त्वरित जी कार्रवाई की जा सकती है अगर विभाग है वो समय से अपनी आख्याएं रिपोर्ट भेजें, और साथ ही तो जितने भी डेट प्रत्येक डेट है हम जी कोशिश करते हैं कि ऐसे मामले जो खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण मामले होते हैं जी उसमें कम समय की डेट दें, जिसमें बहुत ज्यादा लंबा समय ना लगे, जी लेकिन फिर भी शिकायतकर्ताओं की तरफ से भी एक वो अधिक जागरूक बने, जो भी जवाब है उनके वो त्वरित दें, साथ ही जो विभाग है उनके जी अधिकारियों से भी विभागाध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग वार्ता करते हैं। कोविड की वजह से हम जी लोग को पिछले साल जगह जगह दूसरे जो जिले हैं वहां जाके कोर्स लगा नहीं पाए, जी लेकिन पूर्व में अलग अलग जगह नैनीताल है या अल्मोड़ा है या जी इधर गढ़वाल में वो भी वहां भी कोर्स लगी थी, जिससे जी कि वहां के मामले वही सर्वित हों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि पिथौरागढ़ से या उत्तरकाशी से या जी चमोली से दूर दराज जगह से लोग यहाँ आते हैं तो उनको समय भी लगता है और कई बिल्कुल बार आने में असमर्थ होते हैं, तो जी उसकी वजह से भी डिले होता है। जी तो अगर कोविड का थोड़ा सा और बेहतर स्थिति होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आने वाला वर्ष है उसमें जो जनपद दूर जनपद है दूरस्थ जनपद है वहां भी हम लोगों ने कोर्स लगाए, वहां के मामले वही तवित जी तरह से निस्तारण करें। जी